कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के एनजीओ का लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को रद्द कर दिया। यामिनी अय्यर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नामक एनजीओ चलाती है। यह संस्था एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस एनजीओ के अध्यक्ष और सीईओ हैं। राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के कई अन्य शहरों में सीपीआर का दफ्तर है। यह संस्था मूल रूप में नीतियों के रिसर्च का काम करती है। पिछले साल इस संस्था पर आयकर विभाग ने दबिश दी, जिसके बाद अब सीपीआर का विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीपीआर एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से भी अनुदान प्राप्त होता है। सीपीआर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक मान्यता प्राप्त संस्था है। अधिकारियों ने कहा कि थिंक टैंक को एफसीआरए कोष के बारे में स्पष्टीकरण और दस्तावेज देने के लिए कहा गया है। आईटी सूत्रों ने उस समय दावा किया था कि यह मूल रूप से धोखाधड़ी सहकर चोरी थी, जो राजनीतिक दलों के दान के नाम पर की गई थी। हालांकि तब फर्म ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। थिंक टैंक सीपीआर ने कहा था कि उन्होंने छापेमारी में एजेंसी को पूरा सहयोग किया। यामिनी अय्यर ने उस समय कहा था, आयकर विभाग ने 7 और 8 सितंबर 2022 को सीपीआर का सर्वेक्षण करने के लिए हमारे कार्यालय का दौरा किया। हमने सर्वे के दौरान विभाग को पूरा सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे।